हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरियाली तीज की पूजा सामग्री। फ्रेंड्स, हरियाली तीज है 7 अगस्त की, और हरियाली तीज में हमें पूजा सामग्री में कौन कौन सी सामान की आवश्यकता होती है, वो सारी पूजा सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएँ अच्छे वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हरियाली तीज पे हमें पूजा सामग्री में कौन कौन से सामान की सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स देखिए, हमें हरियाली तीज के लिए चाहिए चौकी, क्योंकि हम आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक चौकी चाहिए। और अगर आपका मंदिर घर का बड़ा है, इतना स्पेस है कि आप घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। वरना आप इस तरीके की चौकी ले लें आप, लकड़ी की, जिससे कि आप आराम से बैठ के पूजा कर सकें। ठीक है, लकड़ी की चौकी, पटला, जो भी आपके पास है पूजा के लिए, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए। तो कपड़ा हमें अगर हरे रंग का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है हरियाली तीज पर बिछाने के लिए। अगर हरे रंग का नहीं मिलता तो आप लाल पीला ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो सबसे ज़रूरी है वो क्या चीज़ है, इसके अलावा हमें चाहिए एक भगवान शिव परिवार की एक प्रतिमा, फोटो, मूर्ति, जो भी आपके पास है वो आप रख लें अपने पूजा स्थल में से लेके आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके की अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। मूर्तियां हैं अलग अलग, तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक मिट्टी का शिवलिंग, जो हमें अपने हाथों से बनाना होता है शिव हरियाली तीज पर। तो देखिए, अगर आपके पास किसी धातु का शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हरियाली तीज पे अगर हम अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मिट्टी का शिवलिंग इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है बनाना। अगर देखिए आपके पास कोई भी प्रतिमा, मतलब भगवान शिव की, माता पार्वती की कोई फोटो वगैरह नहीं है, तो आप मिट्टी की इतनी छोटी छोटी सी पिंडियाँ बना लें, 5, एक शिवलिंग बना लें इस तरीके का, और छोटी छोटी सी इतनी, जैसे मैंने ऊपर बना के रखी हुई है, इस तरीके की आप पिंडियाँ बना सकते हैं और माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और नंदी जी का रूप उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रतिमाएँ बना के रख के मिट्टी की, उनकी भी पूजा कर सकते हैं हरियाली तीज पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए फूल। तो देखिए, फूल हमें लाल पीले जो भी फूल मिल जाए आप रख सकते हैं। और देखिए, साथ ही में हमें चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, जैसे कि थोड़े बहुत कटे पिटे या सड़े गले होते हैं वो ना लें आप, इस तरीके से साबुत लें आप, या फिर एक पत्ता अलग हो, 2 पत्ते हैं खाली, इस तरीके से भी ना लें। इस तरीके से आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र लेके चढ़ाना है भगवान शिव पे। और जो है ना, भगवान शिव पे जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमें चिकनी साइड से चढ़ाना होता है, इस साइड से नहीं चढ़ाना होता, खुदरी साइड से। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो पीले लाल फूल जो भी आपको मिल जाए आप ले लें भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए हरियाली तीज पे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं फूल। इसके अलावा देखिए, हमें भोग में चाहिए घेवर। तो हरियाली तीज है, सावन का महीना है, तो हमें घेवर तो ज़रूर ही चाहिए भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए, भोग में रखने के लिए। तो यहाँ पे आप घेवर ले लें। तो इसके अलावा देखिए, आप घर में मीठे जवे भी बना सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना है, हरियाली तीज पे मीठे जवे भी बनाए जाते हैं, तो आप भोग में जो है ना मीठे जवे भी बना के रख सकते हैं, अगर आप घेवर नहीं मंगाना चाहते या मंगा रहे आप। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हम कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, जैसे कि आम, केले, संतरे और सेब वगैरह, इस तरीके से आप 5 फल मिला के कर सकते हैं एक एक, नहीं तो आप 5 केले लेके केले भी चढ़ा सकते हैं, 5 सेब भी चढ़ा सकते हैं, 5 अमरूद भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको 5 चीज़ें मिल जाए चढ़ा सकते हैं, वरना आप अलग अलग प्रकार के 5 फल लेके वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए सामान में, इसके अलावा हमें देखिए एक चाहिए जल से भरा हुआ लोटा, शुद्ध जल का, और हमें चाहिए साथ ही में एक देसी घी का दीपक आरती करने के लिए पूजा पे। फ्रेंड्स देखिए, आरती करने के लिए आप अलग से जो है ना कपूर वगैरह भी ले सकते हैं, कपूर नहीं लेना चाहते तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आप अगर दीपक से आरती कर रहे हैं तो आपको एक दीपक अलग से लेना होता है आरती के लिए, पूजा स्थल पर रखे हुए दीपक से आरती नहीं करते हैं। हमें चाहिए अक्षत, धूपबत्ती, कपूर, और साथ ही में हमें चाहिए चंदन, क्योंकि भगवान शिव को चंदन का ही तिलक होता है, तो हमें चंदन रखना है, और हमें रोली भी रखनी है माता गौरी पे चढ़ाने के लिए, माता गौरी को तिलक करने के लिए हमें रोली चाहिए, भगवान गणेश को भी तिलक रोली का किया जाता है चंदन का, तो आप रोली जरूर रखें। साथ ही में हमें चाहिए मोली वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए, माचिस चाहिए दीपक जलाने के लिए, इसके अलावा हमें पंचामृत चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आप ना इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें दूध, दही और कच्चा दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, और साथ ही में जो है ना
देसी घी है। तो देसी घी इन पांच चीज़ों को मिला के आप इस तरीके से मिश्रण बना सकते हैं भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए, शिवलिंग को स्नान कराने के लिए, शिवलिंग पे जल अभिषेक करने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। वरना आप इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर आप अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हैं, शहद, देसी घी, शक्कर और गंगा जल, दूध, इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं अभिषेक करने के लिए। देखिए अलग अलग करने में क्या होता है, बहुत समय लगता है और बहुत सारे लोगों पर इतना समय नहीं होता कि वो अलग अलग अभिषेक करा सकें। तो आप इस तरीके से मिश्रण बना के, पंचामृत बना के इस तरीके से रख सकते हैं, उससे अभिषेक करा सकते हैं भगवान शिव का, माता पार्वती वगैरह का, सभी को, है ना। जो हमने मिट्टी के बना रखे हैं ना शिवलिंग, इनकी हमें करानी है, इनको तो हमें खाली छींटों का ही स्नान कराना होता है। भगवान शिव की जो प्रतिमा रखी है ना हमने, उनको हमें खाली छींटों का स्नान कराना है। इनको हमें, जो हमने मिट्टी के बनाए हैं या हमारे पास कोई धातु का शिव परिवार है इस तरीके का, तो हम उनकी जो है ना अभिषेक करा सकते हैं, इससे कराएंगे। इसके अलावा देखिए हमें चाहिए श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार में हमको देखिए चुन्नी चाहिए, हरे रंग की चुन्नी ले लें आप माता गौरी पर चढ़ाने के लिए। और देखिए कुछ दक्षिणा भी रखनी होती है, क्योंकि दक्षिणा रखने से क्या होता है कि जो भी हमारी पूजा में रही कमियां होती है ना उनकी वो पूर्ति करती है दक्षिणा। तो दक्षिणा रखनी है, हरी रंग की चूड़ियाँ रखनी है, रबड़ रखनी है, और जो है ना मेहंदी जरूर रखें, मेहंदी रखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में हमको बिंदी का पत्ता रखना है, काजल महावर है और सिंदूर है। सिंदूर दानी आपको अलग से अपनी भी रखनी है, एक जो आप खुद अपने पास रख सकें पूजा करने के बाद, माता गौरी को चढ़ाने के बाद आप अपने आप अपने पास जो है ना अपनी मांग में भी सिंदूर भरें, तो आप अलग से एक डिब्बी सिंदूर की जरूर रख लें। चाहे तो आप एक साड़ी अलग से वो भी चढ़ा सकते हैं माता गौरी को, और उसके बाद आप किसी को दान दे सकते हैं, जैसे किसी की मान वगैरह को आप दान दे सकते हैं। तो ये श्रृंगार का सामान आपको जितना भी पॉसिबल लगे, जैसे कि 5, 7, 11 चीज़ें जो भी आप चढ़ा सकें वो चढ़ा लें। यहाँ पे मैंने जो है ना जितनी मेरे पे थी मैंने यहाँ पे रख ली हैं। बाकी आप इसके अलावा देखिए 5 चीज़ें भी खाली चढ़ा सकते हैं, जैसे कि हरी चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, सिंदूर हो गया, चुन्नी हो गई, नैन पॉलिश हो गई, महावर हो गई। इनमें से आप कोई भी एक एक चीज़ लेके 5 चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारा सामान है जो हमें जो है ना हरियाली तीज पे पूजा के लिए चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज है इस बार 2024 में 7 अगस्त की। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं अच्छे वर के लिए, और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन के लिए जो है ना हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। और हरियाली तीज का जो है ना बहुत सारी महिलाएं व्रत नहीं भी रखती, बिना व्रत के भी पूजा करती हैं। तो इसमें आप अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो आप पूजा भी खाली कर सकते हैं, और आप अगर व्रत करते हैं हर साल तो व्रत करिए, हरी चूड़ियां पहनिए, हाथों में मेहंदी लगाइए, साड़ी अच्छी सी हरी सी पहन के, और आप सुबह सुबह इस पूजा को करिए। तो ये पूजा जो है ना हरियाली तीज पर सुबह की होती है, तो आप सुबह सुबह इस पूजा को आप कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।